बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं मनीष। समाचार बुंदेलखंड में स्वागत है। इस टाइम हम खड़े हैं बुंदेलखंड प्रभारी, जो AMIM के प्रभारी हैं, उनका आज कार्यकर्ता बड़े उत्साह से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आइए बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने जन्मदिन मनाया है। सादिक जी, किस तरीके से सुबह से लेकर अभी तक किस तरीके से आपने जन्मदिन मनाया? जन्मदिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे हमदर्द लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, उन्होंने प्रातः सुबह जो है स्टेशन पर जाकर चाय और बिस्कुट वगैरह वितरण किया यात्रियों को। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद अस्पताल गए, जिला अस्पताल में वहाँ पर फल वितरण किए। उसके बाद फिर मालिन बस्ती में हम लोग गए। वहाँ जाने के बाद जो है जो अपने बच्चे नौनहाल बच्चे हैं उनको जो है हमने और हमारे साथियों ने वस्त्र भेंट की। क्या लगता है ये नगर का चुनाव आने वाले हैं, आपकी किस तरीके से तैयारी रहेंगी, क्या सौगात देंगे या अपने जन्मदिन पर किस तरीके के लोगों को तैयार कर रहे हैं? हम यही सौगात लोगों को देंगे कि भाईचारा कायम रखें, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान का हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है और आपस में हम भाई भाई जुदा होते चले जा रहे हैं। पेट्रोल की स्थिति बहुत ख़राब है और आप ये देखिए कि सबसे गंभीर जो स्थिति है वो ये आ रही है कि हमारे जो है जो कानून आरक्षण है इससे भी खिलवाड़ स्टार्ट हो चुका है और प्राइवेट कंपनी हो रही हैं जिससे हमारे जो आरक्षण है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो फिर झांसी जालौन ललितपुर से कई कार्यकर्ता आए के आवास पर, उन्होंने उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। झांसी से मनीष अली।